Hello and welcome once again in my class. Today I am going to teach you computer. So let's begin. Subject computer. Chapter 1. The computer and its parts. What is computer? Computer kya hai? A computer is an electronic machine. Computer it इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स. ये मशीन आदमियों के द्वारा बनाया गया है. दे मेक आवर वर्क इजी एंड फास्ट. ये हमारा काम बहुत आसान और बहुत फास्ट करते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के गुण क्या हैं? कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है. कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क इजी. हमारा काम बहुत आसान करता है. कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारे डेटाज और बहुत सारे गाने, जो भी आप चाहो उसमें स्टोर कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. सी हियर चिल्ड्रेन, ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि बेसिक पार्ट्स हैं और इस पार्ट्स से ही आपका ये कंप्यूटर चलेगा. बेसिक कंप्यूटर्स का मतलब है, पार्ट्स का मतलब है जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस. All part work together to perform a task. मतलब एक साथ जब ये काम करेगा तो ही हम कंप्यूटर को चला सकते हैं. Next, चलिए एक एक करके सारे parts के बारे में हम जानते हैं. पहला है monitor. देखते ही आपको क्या लगता है? लग रहा है ना जैसे कि ये टीवी हो. A monitor looks like a टेलीविजन स्क्रीन, है ना, टीवी की तरह दिखता है. इट शोज यू द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर. हम जो भी काम करते हैं वो सब इस मॉनिटर में दिखता है. यू कैन वॉच कार्टून, मूवी एक्सेट्रा ऑन इट. हम इसमें अपना सारा काम कर सकते हैं, जैसे मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, और जो भी मैथ्स वगैरह करना हो, कोई भी अगर हम वर्ड्स लिख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, वो सब हम इसमें देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट है सीपीयू, विच इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी करते हैं काम वो सारा इस सीपीयू में स्टोर होता है. सीपीयू का फुल फॉर्म है विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे मैंने अभी बताया कि सारे डेटास इसी में स्टोर रहते हैं. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स. और ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हेल्प करने में मदद करता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द सीपीयू बॉक्स. ये एक बॉक्स की तरह बना रहता है, उसी के अंदर सारे सीपीयू के मशीन्स रहते हैं. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. देखते ही क्या लगता है बच्चा लोग? ये लगता है जैसे कोई टाइपराइटर हो. इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. यस, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल बटन कॉल कीज. इसमें बहुत सारे बटन्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट 1 to 0 से 1 to 9 तक बटन्स रहते हैं और अल्फाबेट ए से जेड तक रहते हैं और कुछ स्पेशल कीज रहते हैं फॉरवर्ड वो करने के लिए. इट हेल्प्स यू टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर. और ये हमें कमांड देने में मदद करते हैं. माउस, इट इज़ यूज टू गिव कमांड टू अ कंप्यूटर. ये माउस हमें कमांड देते हैं. कमांड का मतलब है हम जो भी काम करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो वो हमारे मॉनिटर्स में शो करता है. माउस हैज़ 2 or more बटन. ये माउस के पास 2 या 2 से ज़्यादा बटन होते हैं. इट कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड वर्क लाइक अ हैंड. ये हमारे हाथ के जैसा काम करता है. इससे हम मॉनिटर पे
क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स, हम इसके साथ गेम्स भी खेल सकते हैं। इट हेल्प्स इन मूविंग और सेलेक्टिंग एन आइटम ऑन द स्क्रीन, इसके थ्रू हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, जैसे वहाँ बहुत सारे फोल्डर्स दिए रहते हैं ना, उस फोल्डर में जाके क्लिक करोगे तो वो फोल्डर खुलेगा। वो कैसे खुलेगा, इसी माउस के द्वारा। नेक्स्ट है स्पीकर, इट इज़ यूज्ड टू लिसन म्यूजिक सॉन्ग्स एंड अदर साउंड ऑन ए कंप्यूटर। स्पीकर सुनते ही समझ में आता है कि ये साउंड सुनने के लिए होता है, तो हम जो भी गाना सुनते हैं या पिक्चर देखते हैं तो उसके साउंड हम कैसे सुनेंगे, इसी स्पीकर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक तरह का नहीं, कई तरीके से होता है। कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड अ टैबलेट। एक एक करके जानते हैं डेस्कटॉप क्या है। इट कैन बी प्लेस्ड ऑन योर डेस्क। डेस्कटॉप होता है जो हम डेस्क के ऊपर रख के कंप्यूटर को यूज करते हैं। लैपटॉप क्या होता है, इट इज अ पोर्टेबल एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर, मतलब हम इसे अपने बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां फिर इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट, दे आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर विच यू कैन फिट इन योर हैंड लाइक आईपॉड एक्स्ट्रा। छोटे छोटे फोन्स, थोड़े आईपॉड की तरह जो होते हैं ना, उस तरह से फोन, ये आईपॉड रहता है, ये टैबलेट रहता है, तो ये आप अपने पॉकेट में या हैंड में भी ले जाके साथ में कर सकते हो। सो चिल्ड्रेन, टुडे वी हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर। हमने आज कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, कंप्यूटर क्या है, इन सब के बारे में हम आज जाने। आज के लिए इतना ही। सो गुड डे, बाय।